अगर आज यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि वो विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो ये सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। वो बहुत बायस्ड अपने डिसीजन देता है, भारत के बारे में उसने बहुत बायस्ड डिसीजन दिए। जहां तक मैं शी जिनपिंग को अध्ययन करता रहता हूँ, वो एक बहुत ताकतवर नेता है और चीन इस तरह के विद्रोहों को बहुत आसानी से दबा सकता है। तरीके से कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से चीन में विरोध प्रदर्शन भी तेज होता जा रहा है। जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब आजादी, लोकतंत्र और मानवाधिकार की मांग तक पहुंच गया है। आखिर चीन में हो क्या रहा है, आइए आज बात करेंगे व्यू पॉइंट पर इसी मुद्दे पर ओजांग सर के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। सर, युवाओं ने इस प्रदर्शन में कमान संभाल ली है पूरी तरीके से, खुलकर लोग सामने आ रहे हैं। जो सालों से उन्होंने अपने मन में जो गुस्सा और जो बात दबा कर रखी थी वो प्रदर्शन के जरिए सामने आ रहे हैं। कहीं पर वो A4 साइज के ब्लैंक पेपर दिखा रहे हैं तो कहीं पर उन पर फ्रीडमैन इक्वेशन लिखकर दिखा रहे हैं, कई तरीके अपना रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन भी चुप नहीं है, उसने भी उन पर दमनकारी नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट हो रही है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, यहाँ तक कि उस खबर को कवर करने वाले पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी की जा रही है। क्या सर, चीन अपना इतिहास दोबारा दोहराना जा रहा है? वो 4 जून का दिन 1989 की थियानमेन स्क्वायर वाली घटना, क्या फिर से वो सब होता नजर आ रहा है चीन में? कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी घटना थी, थियानमेन स्क्वायर की घटना, जिसने वहाँ के छात्रों को बुरी तरीके से परेशान किया। ऐसा देश जिसने अपने ही छात्रों के खिलाफ टैंक उतार दिए, और एक अगर आंकड़ों की बात करें, चूंकि चीन से आंकड़े बाहर नहीं आते हैं, लेकिन उसमें भी हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए थे। और चीन जो है वो हमेशा से, चूंकि कंट्रोल साम्यवादी देश रहा है, कम्युनिस्ट कंट्री रहा है, तो वो इस तरह के प्रदर्शनों की इजाज़त नहीं देता। ना वहाँ पर कोई ओपन सोशल मीडिया है, ना वहाँ कोई टेलीविज़न चैनल है, ना वहाँ कोई ऐसी चीज़ है कि वहाँ से खबरें बाहर आ सकें। सरकार जितना चाहती है, जब चाहती है, जैसे चाहती है, केवल वही खबरें जो हैं वो बाहर आ पाती हैं। जैसा कि इससे पहले की सीरीज़ में मैंने आपसे बात किया था कि चीन में बहुत कुछ बदल रहा है, चीन में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है, और इसके पीछे जो कारण है वो कई कारण फैक्टर इन्वॉल्व है, जिसमें वहाँ की सरकार, उनकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वहाँ पे जो जनता की उम्मीदें, इकॉनमी का डाउन होना, वो ढेर सारे फैक्टर एक साथ जुड़ गए। और जिस तरह से जब कोई जो शासक होता है, जब वो मोनार्क के फॉर्म में आ जाता है, जैसे शी जिनपिंग, वो आजीवन अब जो है उस नेता बने रहेंगे, बार बार वो चुने जा रहे हैं और आज कोई उनसे प्रश्न पूछने वाला नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो भी कर रहे हैं वो माना जा रहा है कि वो एब्सोल्यूट है, और वो तानाशाही के रवैये में जा रहा है और लोगों की बात उन तक नहीं पहुंच रही है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है कि उनकी भी मजबूरियां हैं, क्योंकि अब जहां दुनिया कोविड के केसेस से मुक्त हो रही है, भारत जिसने इतना बेहतरीन काम करके दिखाया, वहां आज की डेट में कोविड को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं रह गई या कुछ भी ऐसा नहीं है, वहां चीन में केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जो पूरी चीन की इकोनॉमी को अपने लपेटे में ले सकते हैं। और इसी समय चीन पूरी दुनिया में बहुत एग्रेसिव पिछले कुछ समय से रहा है, तो दुनिया भर के देश मदद करने भी नहीं आ पा रहे हैं, और जो ट्रेड वॉर में चाइना को नहीं हरा पा रहे थे, जो ट्रेड वॉर में चाइना को पिछाड़ नहीं पा रहे थे या उसकी एग्रेसिव पॉलिसी में, वो इसके माध्यम से जो मानवाधिकार है या तमाम चीज़ों में उन्होंने प्रवेश करना शुरू कर दिया है। सर, जिस तरीके से थियानमेन स्क्वायर वाली जो घटना थी, उस वक्त के हालात देखें और आज के हालात देखें, तो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जिन्होंने इस बारे में कहा है कि दिस इज द न्यू ईयर इन चाइना। जो पहले जिस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ था और आज जिस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें एक बड़ा फर्क देखा जा रहा है। वहां पर एक पर्टिकुलर जगह पे और कुछ सेगमेंट के लोगों ने किया था, अभी पूरा चीन उस प्रोटेस्ट में उतर आया है। ऐसे में उसे वो नए युग की शुरुआत मान रहे हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरह की दमनकारी नीतियां पहले अपनाई गई थी स्क्वायर इंसिडेंट में, अगर वैसी दमनकारी नीतियां अभी अपनाई गई तो जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि वो शी जिनपिंग को गद्दी से भी उखाड़ फेंकने की ताकत रखती है। तो ऐसे में क्या सरकार इस बार भी जनता का मुंह बंद कर पाएगी, या फिर इस बार जो है जनता की जीत होगी, कैसे? सबसे पहले तो मैं 1989 की उस घटना और आज के बीच में एक अंतर बताता हूँ। उस समय जो दुनिया भर का जो मीडिया, सोशल मीडिया, मानवाधिकार, ये सब उतने ताकतवर नहीं थे।
इकोनॉमी में एक साइकिल होती है जैसे बूम साइकिल और दूसरी साइकिल, उसको बस साइकिल कहते हैं। इकोनॉमी हमेशा अप एंड डाउन चलती है। 1989 का वो दौर था जब चीन ने अपने बूम साइकिल को फेस किया था। बहुत बेहद गरीबी से निकलते हुए, पिछड़ेपन से निकलते हुए चीन ने एक प्रगति का स्वाद चखा था। वो जो पिछड़े हुए लोग थे, जो गरीब लोग थे, जो लंबे समय तक साइकिलों पे चल रहे थे, वो अचानक से एक प्रगतिशील गाथा के साथ रहे। इसीलिए चीन ने अपना मध्य वर्ग बनाया और इसकी वजह से उसने किसी भी विद्रोह को रोक लिया। एक घटना छोटी सी रह गई, लेकिन अभी अगर देखें तो ये चीन का जो बस्ट साइकिल है, चीन का रियल एस्टेट डाउन है जो उसके जीडीपी का 30% है, चीन जो है वो ढेर सारे अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर चुका है दुनिया भर के प्रोजेक्ट में, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट उसका ओबोर सीपीईसी, और चीन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें जो है वो सामने आ रही। चीन पूरी दुनिया में एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर रहा है जो सबको चैलेंज कर रहा है, वो उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो दक्षिणी चीन सागर हो, भारत हो, कहीं पर भी हो। तो अब चीन एक साथ कई समस्याओं में आ चुका और पूरी दुनिया की कंपनीज जो हैं वो वहां से निकलना चाहती हैं। एक और मैं बात कहना चाहूंगा, चीन जो 1989 का जो चीन था उस समय जो उसकी यूथ आबादी थी, अब वो बूढ़ी हो रही है। तो चीन में एक बूढ़ों की जो आबादी, जो वृद्ध जनों की आबादी है, उसका खर्चा उठाने के लिए चीन को बहुत पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। रोजगार के साधन कम हो रहे हैं और अब जो रोजगार है वो दुनिया के अलग अलग, चीन से निकलकर वो अलग जाना चाहता है, बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, वियतनाम, यहां पर वो रोजगार भाग रहा है। तो अब ऐसी कंडीशन में वहां के लोगों का रोजगार भी छिन रहा है, तो अब उनको पैसा वृद्ध लोगों की सुरक्षा में भी लगाना है, नए लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और जो कंपनीज हैं वो धीरे धीरे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इधर उधर भाग रही हैं, नया डेस्टिनेशन और सस्ता डेस्टिनेशन खोज रही हैं। तो चीन कुल मिलाकर इस समय बस्ट साइकिल की तरफ जा रहा है। अब ये जो लोगों की परेशानी है वो असली परेशानी ये है, राइट, ये असली परेशानी है। लोग परेशान हो रहे हैं, उनको काम करना है, उनको पैसे कमाने हैं, वो अपना ईएमआई चुका नहीं पा रहे हैं, बैंकक्रप्ट हो रहे हैं और सबकी हालत खराब है। तो ये सारी चीजें एक साथ जब मिल रही हैं तो वो असंतोष पैदा कर रही हैं। इसीलिए इस बार जो है वो मामला बिल्कुल अलग है, इस बार मास जो है वो परेशान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। और आज के ज़माने में जो कि इंटरनेट का युग है, सोशल मीडिया से सारी खबरें जो है, इससे जुड़ी हुई सारी खबरों को हटा दिया गया है, सारे पोस्ट वीडियो सब कुछ हटा दिए गए हैं, और इवन उन लोगों को बिल्कुल डिटेन किया जा रहा है या उनको मारपीट की जा रही है जो इन चीज़ों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चीन की जो युवा पीढ़ी है, आपने सही कहा कि वो बढ़ना चाहती है, आगे कुछ करना चाहती है, रोजगार के नए अवसर चाहती है, और चीन के जो युवा हैं वो पूरी दुनिया के देशों को देख रहे हैं, उनके युवाओं को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या वो उस देश का जो युवा है इन सब चीज़ों का या इन नीतियों का दमन करता रहेगा या कैसे अपना रास्ता निकाल पाएगा? देखिए, जो समाज होता है ना वो एक परिवर्तनशील अवधारणा है, समय के साथ वो चीज़ें बदलती रहती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। अभी जैसे आपने ईरान में देखा, जहाँ पर जो है वो इस्लामिक क्रांति के माध्यम से हिजाब पहनना या बुरका पहनना, महिलाएं बाल खोल के नहीं चल सकती, और एक बच्ची की हत्या से पूरा ईरान दहल उठा, और यूथ एक नई परंपरा, एक नई चीज़ की तरफ जाना चाहता है। यूथ एज वो फ्रीडम चाहता है। तो अब जब उसने इकोनॉमिक प्रगति का मज़ा ले लिया तो अब वो मज़ा लेना चाहता है फ्रीडम का, कि मुझे बोलने, बात करने, अपनी पोस्ट रखने का जो है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो दुनिया के किसी और देश में हो रही है। तो पूरी दुनिया में इस तरह के बदलाव गुजर रहे हैं और चीन में भी ये बदलाव कोई गलत नहीं है। भारत में भी इस तरह की आप देखते हैं कि बहुत उठापटक होती रहती है, लेकिन जहाँ तक मैं शी जिनपिंग को अध्ययन करता रहता हूँ, वो एक बहुत ताकतवर नेता है, और चीन इस तरह के विद्रोहों को बहुत आसानी से दबा सकता है, क्योंकि इन विद्रोहों की जो जान होती है वो होती सूचनाएं, और चीन ने अपनी जो इंफॉर्मेशन से सूचना है उस पर बहुत तगड़ा कंट्रोल बना रखा है। वो वहां उसको से बाहर ही गूगल, इंस्टा, इन सब की जरूरत नहीं, वो सब कुछ कंट्रोल करके रखता है। आप जाके सर्च करें तो वहां पर आपको कोई इस तरह के वीडियो नहीं दिखाई पड़ेंगे, व्हाइट पेज दिखाई पड़ेगा या कोई वीडियो चलने लगेगी, लेकिन वो अपनी इन्फॉर्मेशन को, हाँ, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को दबा लेगा। यानी जब सूचनाएं ही नहीं पहुंचेंगी तो लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो मैं जहां तक समझता हूँ कि ये बहुत अधिक आगे नहीं जा पाएगा और चीन इसको जो है विद्रोह को दबा ले जाएगा। लेकिन हाँ, ये पूरी दुनिया को एक मैसेज जरूर चला जाएगा कि चीन में सब कुछ अच्छा नहीं है, और शी जिनपिंग उतने प्रभावशाली, उतने ताकतवर नहीं रह चुके, क्योंकि कोविड को भी बहुत अच्छे से वो मैनेज नहीं कर पाए, चीन की इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पाए। शुरुआती दौर में उन्होंने जो उनका वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव था उसमें बहुत एग्रेसिव रहे, लेकिन जब भारत के साथ गालवान में भी कुछ बातें हुई या तमाम अन्य सीमा विवाद हुआ, तो उस तरह से वो एग्रेसिवनेस उनकी दिखाई नहीं पड़ी जैसा कि एक एग्रेसिव लीडर शो करता। तो वो अपनी विदेश नीति में
भी और अपनी युद्ध नीति में बड़ा ढुलमुल रवैया उनका रहा, कभी आगे कभी पीछे। तो दुनिया को एक मैसेज चल गया कि ये व्यक्ति थोड़ा सा क्लियर नहीं है अपनी चीजों में लेके। तो वो जो खौफ था चीन का, जो उसकी एग्रेसिवनेस थी, वो काफी कम हो गई है। सर, इन्हीं सब खबरों के बीच में अमेरिका ने जो है वहाँ के लोगों के लिए बोला है कि हम आपके साथ खड़े हैं अगर आप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करते हैं। सर, ऐसे में एक सवाल मन में ये भी उठता है कि यूएन जो कि मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए जाना जाता है, क्या वो इस मामले में चीन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता या उसे नहीं करना चाहिए? यूनाइटेड नेशन आज वो क्या रह गया है वो खुद भी नहीं जानता है। और भारत के प्रधानमंत्री इस पर कई बार बात कर चुके हैं कि बहुत पुरानी संस्था हो गई जो बदलाव के साथ नहीं बदल पा रही है। और अगर कई बार देखा जाए ना तो ये यूनाइटेड नेशन ऐसा प्रतीत होता है कि जब मानवाधिकारों की बात आती है बड़ा सेलेक्टिव सा दिखाई पड़ता है। ये पश्चिमी देशों के मानवाधिकार की बात करेगा, उनके हितों की बात करेगा, उनसे समझता फंड लेता है, लेकिन जब ये अन्य देशों के मानवाधिकारों की बात आती है तो इसका एकदम मुंह इसका बंद हो जाता है, ये कुछ बोलने की हालत में नहीं रहता। ये बिल्कुल कमजोर हो चुकी संस्था है, इसमें बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर आज यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि वो विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो ये सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है। वो बहुत बायस्ड अपने डिसीजन देता है भारत के बारे में, उसने बहुत बायस्ड डिसीजन दिए। भारत में कोई बात होती है तो वो बार बार कहता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तमाम तरह की रिपोर्ट आती है, लेकिन चाइना में उइगर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके मुंह से एक शब्द सुनाई नहीं पड़ता है। तो वो बेसिकली जो है वो बहुत ही अजीबोगरीब सी संस्था है, और इस मामले में वो नहीं बोल रहा है तो वो अपनी इज्जत ही बचा रहा है। और वाकई में उसके बोलने ना बोलने का अब दुनिया में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स अब उजागर हो चुकी हैं। सबको पता है कि वो जो है वो एक तरह से पश्चिमी देश जब उससे कहेंगे बोलने के लिए तब वो बोलेगा, जहां बोलने के लिए बोलेंगे वहां बोलेगा, वो बेवजह के सैंक्शन लगाने के लिए वो बात करता रहेगा। तो बड़ा ही अजीब गरीब। हाल ही में हमने इसका जीता जागता उदाहरण देखा है जब हमने टेररिज्म ग्रुप को जब ब्लैकलिस्ट करने की बात की थी, चीन ने अड़ंगा लगाया था, यूएन चुपचाप रहा, और वो उसका यही है। सर, इस सिचुएशन के चीन में जो अभी हो रहा है, भारत पर इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं? देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में तो मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि इस समय जो कंपनीज हैं वो वहाँ से भागेंगी, क्योंकि अनरेस्ट कोई भी चीज़ होती है, जब कभी सुरक्षा के ऊपर प्रश्न आ जाता है तो वहाँ से वो लोग हटना भाग चाहते हैं कि वहाँ से हट जाएं। दूसरा, वहाँ पे लेबर कॉस्ट बढ़ रही है क्योंकि अब प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुकी है, आबादी वहाँ बूढ़ी हो रही है। तो आज भारत के पास सस्ता लेबर है, भारत के पास एक ताकतवर सरकार है, सबसे अच्छी बात है न्यायपालिका है। चीन में अगर कुछ भी 19-20 हो जाए तो आप कहाँ जाओगे, किससे बात करोगे, यहाँ ओपननेस है। तो आज भारत के पास बहुत ही वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो निश्चित रूप से वहाँ से निकलना चाहती है, निवेश को वहाँ से हटाना चाहती है। तो फायदेमंद तो ये रहा, लेकिन नेगेटिविटी की बात करें तो जैसा हमने पाकिस्तान में कई बार देखा कि जब कोई राष्ट्र आंतरिक रूप से संकट में होता है, जब उसके अंदर कोई बहुत टर्मोइल होता है, और खासतौर पे अगर ये टर्मोइल, ये दिक्कत यूथ की वजह से हो रही है, तो यूथ के जोश को वो क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो भारत के साथ कोई सीमा विवाद कर सकता है, वो भारत के साथ कोई थोड़े समय के लिए युद्ध छेड़ सकता है, ताकि वो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करेगा और लोगों का ध्यान वहां से हटाने की कोशिश करेगा कि अब दिखाएगा कि देखो चीन के ऊपर संकट है, अगर हम एकजुट नहीं हुए तो भारत हम पे आक्रमण कर देगा, दुश्मन हमारे सामने खड़ा है। तो भारत को इस समय बहुत एक्सेसिव जो है वो क्या होगा, अलर्टनेस रखने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, और अपनी सूचना जो क्रांति है उसका इस्तेमाल करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और हमें इस समय एक तरह से अपना जिसे फायरवॉल कहते हैं, तो हमें इंटरनेशनल जो है जगत में जाकर, अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाकर अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हमें पहले से ही करना पड़ेगा। 1962 की तरह हमें सोते नहीं रहना है कि जब आक्रमण हो जाए तब हम भागें, हमें पहले से समझना पड़ेगा कि कोई भी राष्ट्र जो है वो अपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए वो हम पे आक्रमण कर सकता है या हमारे साथ कोई सीमा विवाद खड़ा कर सकता है। तो निश्चित रूप से हमें पहले ही डिप्लोमेटिक अप्रोच बना लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। चीन में हो रहे विरोध के चलते भारत को भी बहुत ज़्यादा मजबूत और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कहते हैं जब जब किसी देश में दमन की आवाज़ उठती है तब तब जनता भी उसका जवाब देती है। देखना होगा कि चीन में स्थिति क्या रहती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्यू पॉइंट का डिस्कशन ज़रूर पसंद आया होगा। क्या पॉइंट पर आप बात करना चाहते हैं, क्या मुद्दा है जो आप चाहते हैं कि हम अपने अगले एपिसोड में लेकर आएँ, अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा इस व्यू पॉइंट में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरह से 99 रुपए के बैच में बढ़ चढ़कर सहयोग किया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एक छोटी सी सूचना है कि ओजांक एडू ऐप, जहाँ पर सबसे पहले आप जुड़े, उसमें एक साइबर अटैक हुआ जिसकी वजह से
थोड़ी सी दिक्कतें आईं, लेकिन चूंकि जानते हैं आप कि हम एक योद्धा की तरह हैं और ओजांकियन परिवार एक योद्धा की तरह है, हमने उस परंपरा को आगे बढ़ाया और अब हमारी क्लासेस ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप पे हैं। जो लोग एडमिशन ले चुके हैं वो सिर्फ वहाँ लॉगिन करें सेम आईडी सेम फोन नंबर से और हम यहाँ ऑटोमेटिकली उन्हें ट्रांसफ़र कर देंगे। धैर्य यूपीएससी एग्ज़ाम की सबसे बड़ी चीज़ है, तो धैर्य बनाए रखें और लगातार आपको क्लासेस वहाँ मिल रही हैं, लगातार बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं और आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं अगर वो नहीं हो पा रहा है। क्योस्ट ना करें, आप परेशान ना हो, विश्वास रखें क्योंकि हमने क्रांति की शुरुआत की है। 99 रुपये में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि आईएएस प्रीलिम जैसा कोर्स पढ़ाया जा सकता, और हमने उसको करके दिखा दिया, गुणवत्ता के साथ करके दिखा दिया। काफ़ी ज़्यादा बच्चे शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ गिने चुने बच्चे ही बचे हैं और उनका सहयोग बहुत आवश्यक है क्योंकि विश्वास से ही चमत्कार होते हैं और अगर हम विश्वास करेंगे तो गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ते हुए ओजांक आईएएस अकेडमी सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली अकेडमी बनेगी। तो निश्चित रूप से इस महाआंदोलन में आप लोग सहयोग करें और हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे, सेम आईडी आप जो है डालेंगे, सेम फोन नंबर डालेंगे, आप रिफ्रेश करेंगे और आपको आपका कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए इस महाआंदोलन में बढ़ते हैं आगे और भरोसा बनाए रखें। धन्यवाद।